पहली चीज कि नेटवर्क कहां नहीं है। कोई भी एक सेगमेंट, एक बिजनेस, एक जॉब सेगमेंट या किसी भी एरिया में आप चले जाइए, हर जगह नेटवर्क से ही चीजें चलती हैं। अगर एक नेटवर्क नहीं हो तो हमारे तक कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाए। तो कोई ना कोई नेटवर्क के माध्यम से ये चीजें हम तक पहुंचती हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं जॉब करता हूं, तो उसके थ्रू भी उसको उस तक जो सामान मुहैया कराया जाता है या उस तक जो चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं वो भी नेटवर्क के माध्यम से ही आती है। बट फर्क क्या है कि उस जगह पर आपकी कोई आईडी जनरेट नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, सॉफ्टवेयर में कोई डेटा मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से वो नेटवर्क कभी शो नहीं होता। हमेशा वो इंडिविजुअल दिखता होता है, अकेला दिखता होता है, एक सिंगल डायरेक्ट दिखता होता है। तो इस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा कि नेटवर्क कहाँ नहीं है, हर जगह नेटवर्क है। कोई भी व्यक्ति आपसे बोलता है कि नेटवर्क बेकार की बात है, तो उनको समझाइए कि आज जितने भी बड़े होलसेलर बैठे हैं वो सब नेटवर्क के माध्यम से ही आप और हम तक माल बेचते हैं। जितने भी स्कूल बैठे हैं वो नेटवर्क के माध्यम से ही आपके और हमारे बच्चों को पढ़ा पाते हैं। जितने डॉक्टर्स हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं वो एक नेटवर्क नेटवर्क की वजह से ही आपका और हमारा सही इलाज कर पाते हैं। क्योंकि नेटवर्क का मतलब दवाई आपके पास आएगी तो कोई ना कोई तो आपको देकर जाएगा अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए। कहने का अर्थ है वहां पर जितने इंस्ट्रूमेंट है वो आपको जितनी भी जो आपको जरूरतें पड़ती है वो किसी ना किसी जगह बनती है, फिर वहां पहुंचती है, देन वहां आपको जाके वो सुविधाएं मिलती हैं। तो नेटवर्क हर जगह कनेक्टेड है, बट बात है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आज की हमारी कंपनी और अदर कंपनीज में हमने क्या अलग किया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, एनवी शॉपी ने ऐसा अलग क्या किया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि हम सबसे बेस्ट हैं। तो पहली चीज, जितनी भी कंपनी अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रही थी, जो हेल्थ केयर में काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी को आप लोग यहां मत गिनिएगा, सिर्फ हेल्थ केयर कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनियां जो काम कर रही थी, वो हेल्थ केयर कंपनियां आज की डेट में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज वो आपकी हैबिट चेंज करा रही थी। क्या चेंज करा रही थी? आपकी हैबिट। जब भी आप कहते ना कि जिस दिशा में हवा चल रही हो अगर उससे आप विपरीत भागेंगे, जिस दिशा में हवा चल रही हो अगर आप उससे विपरीत भागेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। माने अब हवा चल रही है मान लेते हैं ईस्ट से वेस्ट की, और आप ईस्ट की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या लगता है आसानी से पहुंच पाएंगे? वो जो प्रेशर है वो आपको बैक ले जाएगा, धक्के आपके पीछे ले जाएगा, पुश करेगा, धक्का मारेगा, वो कहीं ना कहीं पीछे ले जाएगा, आप सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन जो हवा के फ्लो में भाग रहा होगा वो आपसे बहुत पहले पहुंच भी चुका होगा अपनी मंजिल। तो पॉइंट ये है कि आज तक जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो रहा है वो यही बड़ी चैलेंज था कि हम हमेशा हवा में विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं। एक कस्टमर की चॉइस है ब्रांड की, उसके अपने, वो तो कोई भी ब्रांड हो सकता है, लेकिन एक कस्टमर को ब्रांड ना देने की वजह से हम उसको क्या दे रहे हैं? अपने ब्रांड की चीज दे रहे हैं, यानी कि खुद बनाई है, जिसका कोई मार्केट में मार्केटिंग नहीं किया गया, कोई उसको नहीं जान रहा। पॉइंट ये है कि कोई भी उस प्रोडक्ट को नहीं जान रहा, तो आप हीरो तो है नहीं या कोई हीरोइन नहीं है, तो हम हीरो हीरोइन नहीं है, इसका मतलब हमारे ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट किस ब्याप पर आएगा। ट्रस्ट की बात करते हैं, भरोसा, जैसे अमिताभ बच्चन जी आते हैं, वो आकर किसी प्रोडक्ट का अगर ऐड करते हैं तो लोग उनको लाइक करते, पसंद करते हैं, इसलिए उनकी हर बात मान लेते हैं। कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो लोग आपको लाइक करेंगे और आपकी बात मान लेंगे कि साहब ये आप च्यवनप्राश लेकर आ गए किसी भी कंपनी का, ये आप एलोवेरा लेकर आ गए किसी भी कंपनी का, तो क्या ले लेंगे वो आपसे? नहीं, अधिकतर लोग आपके अपने भी कमजोरी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? प्रोडक्ट नया है, पता नहीं कैसा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक डायलॉग भी आता था आपने एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, तो ये वाली बात आ गई कि इस्तेमाल करें, करें तो कैसे करें? व्यक्ति अपना पैसा लगा के ऐसे प्रोडक्ट को कैसे ले ले जिसकी पहचान ही नहीं मार्केट के अंदर, ऊपर से उसकी नीड नहीं है, पहचान तो थी नहीं, ऊपर से उसकी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, जो जो कस्टमर को हम देने जा रहे हैं उसकी नीड ही नहीं है, उसको एलोवेरा नहीं चाहिए,
उसको स्टेंसिल नहीं चाहिए, उसको वहां पर आपको नोनी नहीं चाहिए, वहां उसको फ्लैक्स ऑयल नहीं चाहिए, ओमेगा थ्री नहीं चाहिए, फिर क्या बेचेंगे आप? हर व्यक्ति को तो पेन ऑयल बेच के नहीं काम करा सकते आप, हर व्यक्ति को हेयर ऑयल बेच के भी काम नहीं करा सकते आप, हर व्यक्ति को क्रीम लगा के भी काम नहीं चलाया जा सकता। कहने का अर्थ है कि आपकी जो इनकम आनी थी वो सेल से आ रही, बट सेल यहाँ पर क्यों नहीं हो रही, मैं उसके कुछ रीजंस आपको बता रहा हूं। आज मार्केट के अंदर एक बड़ा चैलेंज है इस चीज का कि एमबी शॉपिंग जो अलग किया है, दूसरों से डिफरेंट किया है, वो क्या किया वही मैं आपको बता रहा हूं। और वो है कि हमने जो अब तक 20 साल 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग को होते हो गए हैं इंडिया के अंदर, जो उसमें रिपेयर थी, रिपेयर समझते हैं जो रिपेयर करने की जरूरत थी, जहां रफू करने की जरूरत थी, हमने उसको फिल्टर किया, उसको रफू किया, उसको रिपेयर किया हमारे प्लांट में, और इसी वजह से आज हम इस जगह पर आकर बैठे। अब कैसे किया है बात करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आकर फुल टाइम काम नहीं करते, हमेशा पार्ट टाइम काम करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि यहां से मेरा घर नहीं चलेगा। मेरा घर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जिस कंपनी को वो कर रहा है उस कंपनी की सेल इतनी नहीं हो पाएगी, लोग इतने नहीं जोड़ पाएंगे, जिससे कि उसका घर का खर्चा मैनेज हो जाए, इसलिए कभी वो नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम नहीं कर रहा। पहला चैलेंज तो ये था। दूसरा चैलेंज था, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो 10 साल 5 साल 2 साल काम करने के बाद छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आप प्लान दिखाने जाएंगे किसी के पास, और दिखाने के बाद जब बातचीत करते हैं तो वो क्या कहता है, अरे मैंने की थी 2 साल तक की, बकवास है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है। 2 साल पहले अगर आप उससे मिलते जब वो कर रहा था तो आपकी सुनता भी नहीं, लड़ बैठता आपसे, इतना हाईली मोटिवेटेड था वो। लेकिन आज की डेट में वो व्यक्ति फुल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि उसकी यहां पर इनकम नहीं। माय डियर फ्रेंड, यहां पर उसकी इनकम नहीं हुई, जिसकी वजह से वो 2 साल 3 साल उसने काम करने के बाद छोड़ दिया। क्योंकि उसकी इनकम नहीं हुई इसलिए उसने छोड़ा, अन्यथा वो कभी नहीं छोड़ता। और एक बड़ी चीज थी इनकम के साथ साथ, एक और बड़ी चीज थी इनकम के साथ साथ, रिलेशन खराब हो गए मार्केट में उसके। इनकम तो नहीं हुई, नहीं हुई, रिलेशन खराब हो गए। क्यों हो गए? चलिए इन सब विषयों पर बात करते हैं। एमबी शॉपिंग ने ऐसा क्या कर दिया जो 10 साल 20 साल वाला जो भी आज अपने साथ में काम करे, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। मैं किसी एमएलएम कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ सच्चाई बताने जा रहा हूं, जो मार्केट की सच्चाई है मैं उस पर सिर्फ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और वो डिस्कस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अफसोस वो सारे के सारे परेशान है, तो हम वो परेशानी खत्म करने आ रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपके साथ इस समय कैमरा बोर्ड के ऊपर रखा है, और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लोग 10 साल बाद क्यों नेटवर्क मार्केटिंग 2 साल बाद 3 साल बाद छोड़ देते हैं, या फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं आते। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर। नंबर 1, फुल टाइम नहीं आते, नॉट वर्किंग, फुल टाइम नॉट वर्किंग। जनरली मार्केट में फुल टाइम लोग वर्किंग नहीं करते, पार्ट टाइम काम करते हैं। नंबर 2, ड्रॉप क्यों कर देते हैं,
छोड़ क्यों देते हैं, सिस्टम को क्यों छोड़ देते हैं? 10 साल काम करते हैं, 10 ईयर, या फिर 5 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। व्हाई? क्यों? क्योंकि इनको इनकम नहीं आ रही। वरना जिस व्यक्ति ने अपना तन मन धन दिया है, वो सिस्टम को क्यों छोड़ेगा? पॉइंट ये था, वो सिस्टम को क्यों छोड़ेगा? तो पॉइंट पे बात करता हुआ चल रहा हूं मैं आपके साथ में, यहाँ पर 1-to-1 एक एक चीज को आपके साथ क्लियर करता हुआ चलूंगा, जिससे कि यहाँ पर आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाए। इनकम क्यों नहीं आई? क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को वो काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, वो वहां पर क्या करते हैं? प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट सेल करते हैं। सेल, सेल का खेल है। अब अगर सेल नहीं होगी तो इनकम आएगी क्या? सेल नहीं निकलती नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि आप 100 लोगों को जोड़ते हो, 50 लोग उसमें ऐसे होते हैं जो डेड हो जाते हैं, खरीदना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं खरीदना चाहते? पॉइंट ये था, इस पे बात करेंगे। सेल क्यों निकल रही? क्योंकि प्रोडक्ट चॉइसेबल नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोगों ने इस चैप्टर को सीख लिया है, तो वो रिवाइज कर ले अपना, और जिन लोगों ने नए फर्स्ट टाइम आए हैं ये वो लोग लिख सकते हैं। इनकम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सेल नहीं है। सेल क्यों नहीं है? कि प्रोडक्ट चॉइसेबल नहीं है, पसंद का नहीं है। प्रोडक्ट जो है, सामान जो है, वो पसंद का नहीं है, ब्रांड उसके पसंद का नहीं है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज है, वो है MRP। हमेशा प्रोडक्ट की हाई होती है। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग हमेशा MRP हाई होती है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में हमेशा एक प्रोडक्ट, अगर 100 ग्राम का प्रोडक्ट है साबुन, तो वो 10 रुपए का भी हो सकता है, 20 रुपए का हो सकता है। जनरली लोग इस दो कैटेगरी में 100 ग्राम सोप डिजाइन करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड भी, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हुए देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट उतने वो लोग खरीद लेंगे और यही सबसे ज्यादा संख्या है, तो ऐसे लोग इस टाइप की रेंज बनाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही ये प्रोडक्ट 100% 100 रुपीज का हो जाता है, 50 रुपीज का हो जाता है, मतलब उसके 2-3 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट। एक तो ये, जब ये कंपेयरिंग करने जाता है मार्केट के अंदर, आपने किसी को जोड़ दिया, मान लीजिए आपने किसी को जोड़ दिया, अब इस व्यक्ति को आपने जिसको जोड़ा था, ये व्यक्ति कंपेयर कहां से करेगा? जैसे कि एक एलोवेरा मार्केट के अंदर एक कंपनी बेच रही है 200 रुपए में, बाबा रामदेव जी 200 रुपए का एलोवेरा बेचते हैं पतंजलि, और वहीं पे एक कंपनी है जो 1400 रुपए का एक लीटर एलोवेरा देती है। तो आप बताइए, आम आदमी के पास आप गए हो, ऊपर से वो ये जानता है बाबा रामदेव जी बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है, अच्छे इंसान है, बढ़िया सस्ता और अच्छा माल दे रहे हैं, तो क्या लगता है वो 1400 वाला खरीदेगा? तो एक तो बड़ा चैलेंज हुआ कि आप MRP हमेशा मार्केट से हैवी रखते हैं। एनबी शॉपी ने सबसे पहली चीज यहीं पे चैलेंज खत्म किया कि हम प्रोडक्ट ओपन मार्केट का लेकर आए। किसका? ओपन मार्केट का हम प्रोडक्ट लेकर आए। अब ओपन मार्केट का अगर कंपनी प्रोडक्ट लेकर आ रही है, तो सीधी सी बात है, सारे चैलेंज खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना? अब ओपन मार्केट का प्रोडक्ट आ गया, सारी बातें खत्म हो गई, कि ओपन मार्केट के प्रोडक्ट में MRP ओपन है, यानी कि 10 रुपए का लग 10 में मिलता है, 15 रुपए का अगर कोई साबुन है तो 15 मिलता है। अब वो हमारे यहाँ भी देखेगा 10 का है, वो वहां भी देखेगा 10 का है, तो जाके कंपेयर कर लेगा, अभी महंगा तो नहीं दे रही है, कहीं MRP से ज्यादा तो नहीं बेच रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा चैलेंज ही यही है कि हम ओपन मार्केट का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, या तो सेम या फिर लो, सस्ता, या तो सेम रेट मार्केट के बराबर या फिर उससे सस्ता हम मार्केट में देंगे, तब तो कस्टमर हमारे पास आएगा, फिर तो कोई चैलेंज नहीं रहा। तो आपका रिलेशन खराब कहां से हो रहा था? पहले यहां से हो रहा था कि रेट हाई था। दूसरा, अब कस्टमर की चॉइस नहीं मिल रही उसको। आप किसी के पास जाते हो प्लान लेकर, सारी बातें सही होती हैं, प्रोडक्ट भी देख लिया उसने, प्लान भी देख लिया, प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रोडक्ट का जहां नंबर आया, बोला यार ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो अपने ब्रांड का नाम दे रहा है, अपने ब्रांड का बंदा लोग लगा रहा है और जाके बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मार्जिन चाहिए, इसलिए वो अपना ब्रांड बेच रहा है। वो और भी ब्रांड बेच सकता था भाई, वो भी तो कमाई करने आया है, कोई देशभक्ति तो करने नहीं आया,
कोई भी कंपनी वर्ल्ड की आज की डेट में काम कर रही है वो सब सेल करने आ रही है, पैसा कमाने आ रही है, कोई भी वहां पर दान पेटी नहीं खोलने आया। तो कहने का अर्थ था वो क्यों नहीं बेच रहा, क्योंकि उसको ज्यादा मार्जिन नहीं आएगा, इसलिए वो अपनी लेवलिंग लगाता है, अपनी एमआरपी सेट करता है। जो प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपए का वो 20-50 रुपए में बना के बेचना शुरू कर देता है। अब एक तो बड़ा चैलेंज था कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की कोई जान पहचान ही नहीं है, आपने अपना लेवल लगा लिया, कौन जानता है उसको क्या प्रोडक्ट है आपका, तो जान पहचान नहीं है। अब यहाँ पर कौन काम करेगा, हमारे हीरो हीरोइन, हमारे एक्टर्स कौन, यू एंड मी, आप और मैं, हम एक्टर्स हैं, किसके, इस इंडस्ट्री के, भाई अमिताभ बच्चन जी, श्रीदेवी जी या कोई भी जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं, इन लोगों को लोग जानते हैं, इनको प्यार करते हैं, लोग दिल से मानते हैं, अपने घरों में कुछ लोग तो फोटो तक लगाते हैं इन लोगों की। कहने का अर्थ है उनकी मार्केट छवि बनी हुई है, इसलिए जो वो कहते हैं लोग तुरंत उसको जाके बाय कर लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति कह रहा है तो सही है। तो आप क्या उस लेवल का ट्रस्ट लोगों के साथ में बना पाए हैं, क्या आपकी उतनी क्वालिटी, उनका जो हार्ड वर्क जो उन्होंने किया, ऐसा कुछ किया है आपने मार्केट के अंदर जो पहचान बना के रखी हुई है, नहीं की है, फिर कैसे कोई आपसे प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। चॉइस का ब्रांड नहीं दे रहे हो आप, उसकी मर्जी का प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो। अब एक बात बात करते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट कितना बेच लेंगे हम, पहली चीज तो ये चॉइस नहीं मिली, तो सेल कहां से निकलेगी जब चॉइस नहीं मिली, जब चॉइस नहीं मिली तो सेल नहीं निकलेगी। चॉइस नहीं मिली है, एमआरपी बेकार था, जब सब कुछ खराब था तो इनकम कहां से आएगी, इनकम आएगी, जब इनकम नहीं आएगी तो क्या होगा इसको, 10 साल बाद क्या 20 साल बाद भी करता रहे फिर भी छोड़ना पड़ जाएगा, कब तक अपने घर से पैसा लगाएगा। कुछ लोग 1 साल तक बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ लोग 2 साल तक, कुछ लोग 5 साल तक, कुछ लोग 10 साल तक, इससे ज्यादा टिक ही नहीं पाते, क्योंकि इससे ज्यादा पूंजी किसी के पास नहीं है लगाने के लिए। एक तो सबसे बड़ी चीज, उस व्यक्ति ने अपनी एज, उम्र दे दी यहाँ पर, जो कि उसकी कभी वापस नहीं आएगी। कहने का अर्थ था ये इस इंडस्ट्री में जो नेगेटिविटी आज मार्केट में फैली हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये कुछ पार्ट्स हैं, ये कुछ पार्ट्स हैं जो उसका सबसे बड़ा कारण है कि कस्टमर को चॉइस नहीं मिली साहब। अब चॉइस नहीं मिली, सेल नहीं निकली, सेल नहीं निकली तो इनकम नहीं आएगी, तो नेटवर्क मार्केटिंग खराब है साहब। क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, खराब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, खराब ये कंपनियां थी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारना शुरू कर दिए, उल्टे सीधे प्रोडक्ट लाना शुरू कर दिए और हमें बेवकूफ समझ के बेचना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ा चैलेंज था इस इंडस्ट्री का, इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जब भी किसी के साथ बैठेंगे तो आप ये जब डेफिनेशन समझाएंगे तो डेफिनेट है वो बंदा आपकी बात को सुनने को तैयार होगा कि सर ये प्रॉब्लम थी अब तक जो इंडस्ट्री में लोग फेल हुए, कुछ लोग ये उनके लिए है, ये बात उनसे करनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम छोड़ देते हैं या फुल टाइम नहीं आते। समझ में आ रही बात, ये फ्रेशर के लिए नहीं है बात, ये जो काम छोड़ देते हैं या फिर ड्रॉप कर देते हैं या फिर आपका फुल टाइम नहीं आता। अधिकतर लोग देखो है ना, मैं दूसरा कोई काम भी कर रहा हूँ, क्यों, उसे डर है मन में यहाँ पर कि इनकम पूरी नहीं आएगी, जिसकी वजह से उसका जीवन काल व्यतीत नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से मजबूरी है इसकी कि अब ये कंडीशन फंस गई है कि इसे पार्ट टाइम करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ भी नहीं पा रहा ये नेटवर्क भी, क्योंकि इसमें कई लोगों करोड़पति बनते हुए देखा है, ऐसे ऐसे नादानों को इसने करोड़पति बनते देखा है, ऐसे कैसे हल्के लोगों को इसने करोड़पति बनते देखा है जो मार्केट के अंदर बिल्कुल ही एकदम जीरो थे, एकदम जीरो थे, कहने का अर्थ है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में उसने ये चीज तो देख ली कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पावरफुल है, हम ही नहीं कर रहे, ओके। तो पॉइंट था कि ऐसे व्यक्ति के साथ वो कभी काम नहीं करेगा। अब ये चैलेंज था इंडस्ट्री में, ये बड़ा चैलेंज था इंडस्ट्री के अंदर, हमने इस चैलेंज को यहाँ पर जीरो किया, एनवी शॉपी ने इस चैलेंज को जीरो किया। सबसे पहले एमआरपी पर वर्क किया, सबसे पहले एमआरपी पे हमने काम किया, ये बेटा परमानेंट,
अलबास एक्चुअल थोड़ा सा टूल्स की कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं। चलिए ये वाला टूल्स नहीं तो ये सही कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट था कि सबसे पहली चीज थी वो थी आपकी कि प्रोडक्ट मार्केट में एमआरपी, तो कंपनी ने एमआरपी के ऊपर वर्क किया और एमआरपी पर वर्क किया गया कि ओपन मार्केट में लेकर आए कि मार्केट सस्ता या मार्केट से बराबर हम आपको देंगे। दूसरा उसके बाद की बात कि प्रोडक्ट्स की उसकी चॉइस, तो कस्टमर की चॉइस कंपनी दे रही है। अब उसकी बात करते हैं, यहाँ हम सभी ब्रांड्स लेकर आए हैं, फिर बात करते हैं सेल की, दोनों सही तो सेल ऑटोमेटिकली इनकम होगी तो एन बी शॉपिंग में लोग इसलिए काम करेंगे। तो इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को आप काफी लगता है समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री में एक बड़ा चैलेंज और होता है, कुछ लोग मार्केट के अंदर कंटिन्यू लगे रहते हैं 10 साल 20 साल। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आप लोग भी काम कर रहे हैं, ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा जो और लीडर्स करते हैं, जो और लीडर्स ये गलती करते हैं आप लोग ये मत कीजिएगा। क्योंकि जनरली मैंने लोगों को देखा है यहाँ पर एक बड़ी चैलेंजिंग ये होती है कि पैसा तो कमा लेते हैं, कंपनी में जाते हैं पैसा कमा लेते हैं, लेकिन सेव नहीं कर पाते, पैसे बचा नहीं पाते। क्यों नहीं बचा पाते? उनको लगता है बहुत आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, पे आउट अच्छे आने लगते हैं आपको, जहां आपका पहली आईडी पे कैपिंग लगने रहेगी, दूसरी आईडी पे कैपिंग लगने रहेगी, तीसरी आईडी पे कैपिंग लगेगी, बिंदास हो गए आप, टेंशन फ्री हो गए, टेंशन मुक्त हो गए, अब सब टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम जब मिल गया है तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आजाद से हो जाते हैं और इतने ओवर एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हैं, फिजूल की खर्ची करना शुरू कर देते हैं कि जब कोई कंपनी बंद होती है तो ये प्रॉब्लम उसके साथ सबसे बड़ी होती है कि कमाया तो साफ बहुत था लेकिन पैसा बचत के रूप में कुछ नहीं। हालांकि एनबी शॉपी भागेगी नहीं, ये को कंफर्म है, लेकिन सेविंग करेंगे तो फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहेगा। सेविंग बहुत जरूरी है, सेविंग आपको बढ़ाएगी, तरक्की लेकर आएगी, आपको आगे सक्सेस हासिल कराएगी, लेकिन सेविंग होगी तब। जनरली लोग सेविंग नहीं करते, खर्च कीजिए। आप ऐसे करिए कि मान लीजिए एक रिवॉर्ड के अमाउंट का हमने एक रिवॉर्ड सेटअप किया हुआ है, एक इधर बाइंडिंग भी चल रही है, रिपर्चेस चल रही है, तो एक इनकम को आप खर्च कर दीजिए, एक इनकम को सेव कर। इस तरीके से अगर आप वन बाई वन जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस हासिल करने में बहुत मजा आएगा और आपके पीछे की जो आपकी सपोर्ट बैकबोन जो बनना शुरू हो जाएगी इसको देखने में बहुत मजा आएगा। जनरली लोग यही नहीं करते क्योंकि गलत फहमियों के शिकार होते हैं लोग, और नेटवर्क मार्केटिंग में ये बड़ा चैलेंज है। आप पूछ लीजिए बहुत सारे नेटवर्क, जब भी आपको कोई नेटवर्क मिले उनसे पूछा, सर ठीक है आपने जो भी किया, कोई कहे मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, तो उससे पूछ बैठना, सर सेविंग कितनी है? ठीक है मानते हैं आपने काम किया, अच्छा अनुभव है आपको, लेकिन सेविंग कितनी, बचत कितनी, कल खुदा ना खास्ते कुछ हो जाता है तो आपका जो नेटवर्क था वो कंपनी तो डूब गई, भाग गई। अब बताइए कि बचत कितनी है, अगर बचत होगी तो आप जीवित रह पाएंगे, आगे चल पाएंगे, अन्यथा फिर नई टीम बनानी है किसी कंपनी में जाकर, आपको फिर आपको काम करना पड़ेगा, नई टीम बनानी पड़ेगी, फिर जाके आपको वही एफर्ट करने पड़ेंगे, तो क्या श्योरिटी है सक्सेस होंगे या नहीं होंगे? बैकबोन पीछे खर्चा कौन मेंटेन करेगा? अगर पैसा सेव करके रखा होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो कैसे करेंगे? जब ये चीजें आप बात करेंगे कि मेरे कंपनी में आई है, यहाँ पर आपका फ्यूचर भी सिक्योर है और आपका पास्ट जो निकल गया उसको तो नहीं कह सकते, लेकिन करंट भी सिक्योर है, प्रेजेंट भी सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? हमने इनकम ही कुछ ऐसी रखी है, डायरेक्ट इनकम है, बाइनरी इनकम है, कंपनी एक आपको लिए सभी लोगों के लिए आईडी लेकर आ रही है, जिस आईडी के आपको लगाते ही 1000 PV मिलेंगे, 1000 PV मिलेंगे, 1000 PV की मैचिंग 10%, तो बोले 100 रुपए का पेयर बनेगा। तो आपकी जितने भी आईडीज नीचे जा रही होगी मैचिंग की पे आपको लेफ्ट और राइट मैचिंग से 10% मिलता है, एक लेफ्ट आईडी लग गई, एक राइट आईडी लग गई, तो आपको उसका 10% मैचिंग मिलेगा 100 रुपए, 1000 PV लेफ्ट 1000 PV राइट। अब ऐसा हो सकता है 1000 PV लेफ्ट और 1000 राइट की एक तरफ 400 की पीवी की 3 आईडी आ गई, तो उसमें से 1000 PV उठा लिए, उसने 200 कैरी फॉरवर्ड कर देगा, इधर आपकी जितनी बची हुई थी 1000 आईडी एक ही लगी थी, 1000 PV इधर बढ़ गया, तो उधर 3 आईडी के मैच कर दिया उसने, प्रोडक्ट से उठा के सीधा 100 रुपए का पेयर कर देगा।
तो पीवी मैचिंग है, हम जो आईडीज लेकर आ रहे हैं उससे आपकी 15 आईडी में अगर आप देखेंगे 15 लेफ्ट 15 राइट, अगर 1000 पीवी की आईडी लगाते हैं तो आपकी कैपिटल मिल जाएगी, इससे बढ़िया कुछ होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कई ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ में लाने की जिसमें हमारी माता बहन है उनके लिए, साथ में हमारे जितने दोस्त बुजुर्ग यार हैं जो आप पर कनेक्ट हैं हमारे साथ, उन लोगों के लिए कुछ गारमेंट्स के हम लोग किट प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो उसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग लगेगी, लगभग आपको ये भी लगेगा कि आपका पैसा वसूल हो गया, पैसा जो आपने आईडी में दिया परचेजिंग की, और साथ में आईडी भी लगेगी, तो मजा आएगा काम करने में काफी हद तक आप लोगों को। अब बात करते हैं, आपने देख लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दूसरी कंपनियों में क्या चैलेंज था और एनबी शॉपिंग में क्या चैलेंज नहीं है। ये मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ बहुत आसानी से हजारों लोगों की टीम बना सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों की टीम बन गई है मान लेते हैं, आप मैनेज कैसे करते हैं उसको? आप लोगों ने 100 लोगों को जोड़ दिया, 200 लोगों को जोड़ दिया, 300 लोगों को जोड़ दिया, आप मैनेज कैसे करेंगे? मान लो आपने 5 ही लोगों को जोड़ दिया, तो आपको भी काम करना है और टीम से भी काम करवाना है, तो आपको यहाँ पर एक मैनेजमेंट सेट बनाना पड़ेगा। आपको भी काम करना है और टीम से भी काम करवाना है, कैसे करवाएंगे? सबसे पहले एक अपना टाइम चार्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था टाइम मैनेजमेंट का, एक अपना टाइम चार्ट होना चाहिए कि मुझे इतना समय तो अपने लिए चाहिए, दिन में 2 घंटे 3 घंटे मैं डायरेक्ट प्लान दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं कॉलिंग करूंगा, अपने डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा, यानी कि अपने डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा खुद, जो डायरेक्ट रेफरेंस लगाऊंगा मैं अपने, जितने ज्यादा डायरेक्ट लगाएंगे उतना ही ज्यादा बड़ी इनकम एनबी शॉपिंग में आने वाली, ये ध्यान रखिएगा। तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल लीडर्स जब आपके साथ आएंगे और जब वो लगेंगे तो वो आपकी एक लैग में पहले लेवल पे दिखेंगे डायरेक्ट वाले, तो उसमें रीपर्चेज इनकम आपकी मल्टीपल लैग पे आएगी, जितने डायरेक्ट लगाएंगे उतनी ज्यादा लोगों को रीपर्चेज इनकम आएगी। तो मैनेज कैसे करना है आपको, पहले तो ये कि अपना समय निकालिए और साथ में फिर टीम को फॉलो करना शुरू कीजिए। हम क्या करते हैं, जिन लोगों को जोड़ देते हैं जनरली उन्हीं को ही छोड़ देते हैं, अधिकतर लोगों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उन्हीं को छोड़ देते हैं। क्यों? नए लोगों के चक्कर में लग जाते हैं, और लोग जोड़ूंगा और जल्दी से नई टीम बनेगी, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिनको जोड़ दिया है उनके साथ क्या होने वाला है। जिनको जोड़ दिया है वो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे, अगर आप उनको वहां पर प्रॉपर ट्रेंड नहीं करोगे तो वो कैसे लीडर बनेंगे? भाई ऊपर वाला तो आगे बताएगा नहीं उनको कि आपको आके ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, ये तरीके से करना है, वो तरीके से करना है, तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपनी टीम को। तो हर समय अपनी टीम को अपने साथ ऑनलाइन टचर, अब तो बहुत आसान हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करना, पहले बहुत टफ था। तो इसलिए पहले क्या हुआ करते थे, सेमिनार वीकली हुआ करते थे, ट्रेनिंग सेक्शन वीकली हुआ करते थे, ताकि लोगों को बुला के एक जगह बैठा के प्लान समझाया जा सके, उनको ट्रेंड किया जा सके, प्रोडक्ट के बारे में ट्रेंड किया जा सके कि प्रोडक्ट क्या है, प्लान के बारे में ट्रेंड किया जा सके कि प्लान कैसे काम करता है, लोग कैसे क्या जवाब देना है, एक व्यक्ति जो जुड़ना ही नहीं चाहता उसको कैसे आप जोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें पहले ऑफलाइन हुआ, इसलिए सेमिनार्स और ये सब चीजें होती थी, तो वहां पे आपका पैसा भी खर्च होता था, समय भी खर्च होता था, लेकिन उसके बाद में भी कई लीडर्स फिर भी काम नहीं करते। अब फायदा ये हो गया कि हम जूम मीटिंग के माध्यम से फ्री में बैठ सकते, यहाँ कोई टिकट नहीं लगता, यहाँ आने जाने का कोई खर्चा नहीं होता, किसी कोई चाय नहीं पिलानी पड़ती, सब वर्चुअल है। तो पॉइंट ये था, फ्री में भी नहीं कर सकते तो फिर कब करेंगे, फ्री में भी अगर हम नहीं कर सके फिर कब करेंगे। तो पॉइंट है अब कि आप अपनी टीम को मैनेज कैसे कर रहे, तो उनको सिखाइए, जिसको भी आप लेकर आए, पहला काम लाना, दूसरा काम तुरंत उनको धीरे 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 चीजों को समझाना। जैसे कि आप जैसे ज्वाइन कराए, ज्वाइन करने के बाद उनको बेनिफिट बताना शुरू किया। देखिए बाइनरी का ये बेनिफिट होता है, बाइनरी होती क्या है, कैसे काम करती है, मैंने आपको बताया हुआ है ये चीजें, सभी लोगों को बताई है, और जिनको नहीं आती वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं दोबारा से आप लोगों को शेयर करूंगा। यही चीज है, ट्रेंड करना क्या है, आपको कुछ अलग से दुनिया से अलग हटके नहीं बताना,
आपको पता है एक यूट्यूबर जो आता है आज की डेट में, एक यूट्यूबर, वो दिन भर यही सोचता रहता है कि अगला वीडियो मैं किस कंटेंट पे डालूं, अगला वीडियो मैं किस चीज पे डालूं। इस वजह से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है वो, कि खाना भी नहीं खाता, बैठ भी नहीं पाता, सो भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ ट्रेंड करने के लिए आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपनी टीम को सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये सिखाना है, आपके टीम में कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे लोग वहां पे इनकम लेते हैं, दिखेगा कैसे, आप ये इनकम को कैसे अपनी टीम को बता पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से साइट विजिट सिखाइए, पूरी साइट को विजिट करना सिखाइए कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब बाइंड्री क्या होती है, एक लेफ्ट और एक राइट जो लगते हैं, ये है क्या। और मैं अगर किसी को नीचे जाकर जोड़ रहा हूं तो वो क्या है। जी किसी ने हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं व्हाट्सएप पे। सर मीटिंग में नंबर्स रखकर दो बंदे। अच्छा ओके। किसी ने फोन नंबर्स अगर अपने यहाँ पर शो किए हुए हैं तो मैं उन लोगों को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अपना नाम चेंज कर लीजिए। 10 मिनट का सर टाइम दे रहा हूँ मैं आपको सर, अन्यथा मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद कैसे बताया तो था फिर भी कंफ्यूज है। ओके सर मैं कानपुर से हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज आप अपना 5 मिनट। ओके बिल्कुल बातचीत कर दीजिए आप हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीत प्रीत्या सिंह जी हैं आप आई थिंक, और साथ में यहाँ पर प्रीति जी ने भी हमसे कुछ सवाल जी किए हैं, और सलमान जी ने भी यहाँ पर बोला है, सलाम साहब ने। तो सबके पहले धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर को लेते हुए चलते हैं। पहली चीज नाजमा जी ने हैंड रेस किया है, तो आपसे बातचीत करेंगे देन उसके बाद फिर मैं बाइनरी का छोटा सा एक स्लैब फिर से बताऊंगा आप लोगों को। नाजमा बानो जी आपने हैंड रेस किया है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने माइक को टच करेंगे और लेफ्ट साइड में होगा आपका, लेफ्ट साइड में जब आप स्क्रीन टच करेंगे तो वहां पे एक माइक बना रहा होगा। सर एक बार आप फिर से बता दीजिए, हम मीटिंग में लेट आए थे। जी जी सर ठीक है मैम, बिल्कुल आपको क्या चीज पूछना है मैम। आवाज आ रहा है आपको मेरा नाजमा जी? चलिए तो कितने लोग ऐसे हैं हमारे साथ इस समय यहाँ पर, देखिए 0001 आपने यहाँ पर अपना नाम चेंज नहीं किया, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड बुरा मत मानिएगा, ठीक है। स्पैम नंबर है आप, इसलिए हमने आपको अटैच कर दिया है, अब आप यहाँ से रिमूव हो गए हैं।